है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंडकुंड भगवान के, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, कोई भी व्यक्ति जल्दी में था, भाग रहा था और ज़्यादा वेग से भाग गया तो नीचे देख नहीं पाया और ठोकर लग गई और क्या हुआ, गिर गया, उछल गया तो गिर गया, तो ऐसा गिरा वो अपने आप उठने की हिम्मत नहीं रख पा रहा, दूसरे ने उसको उठाया, उसके कंधों पर अपने हाथ रख करके और किसी भी प्रकार से घुटनों के ऊपर बुरी घाव हो गए, इलाज चला, सब ठीक हो गया। अभी ठीक नहीं हुआ किंतु धीरे धीरे ठीक होता 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 घाव सब फूल गया और उस घाव फूलने के उपरांत वहाँ पर अभी चमड़ी नई नहीं आई है और उसको क्या बोलते पपड़ी, हाँ तो वो जम गई और धीरे धीरे वो भी निकलने को है। धीरे धीरे निकलने को है, जब अपने आप निकल रही है निकाल दिया जाए, लड़ा जाएगा, हाँ खाल। खाल वह एक प्रकार से उस हड्डी मांस इत्यादि से उसका एक आकार है, सूखेगा पपड़ी सूखेगी निकल जाएगी अपने आप नहीं निकल सकता। थोड़ी सी धक्का लग जाता है तो आंखों में पानी आ जाता है, जैसे अब जान निकल गई। सुन रहे हो आप लोग, हाँ कम समय में आप चाहते हैं ना, इसलिए तो हम और कम कर रहे हैं। जब धक्का लग गया तो वहाँ पर खून भी आ गया और इतने दिन तक जो उसकी चिकित्सा की गई वो पुनः खराब हो गए, उन्हें वह घावदार बन गया। ये उदाहरण इसलिए दिया जा रहा है, आप लोग जिसको प्रयोग को अपने पीछे लगा रखे हो, थोड़ा सा भी खिसक जाता है तो दिनों रात एक हो जाते हैं और 12 बजे में भी तारे दिखने लग जाते हैं, अब क्या होगा हमारा, इतना दिन मेहनत की थी और वह सब मिट्टी में मिल गए। अब आचार्य कहते हैं परिग्रह को छोड़ो महाराज, वो तो आसान से आप कह रहे हो लेकिन छोड़ना आसान नहीं है,
आपने तो कोई परिग्रह रखा नहीं तो छोड़ने में तकलीफ होती। पर आज ये बताओ आपने कैसे छोड़ा, कि छोड़ा कहाँ, आपने तो कहा भैया, तो फिर आपको ये ज्ञान कैसा हो गया? तो हम ज्ञान इसलिए हो गया आप लोगों की शक्ल को देख करके हो गया। हम ही अच्छे भैया, उसको चिपका करके उन्हें उसको खाल घाव को ठीक करना बहुत कठिन है। भागने वाले भागो, हम तो चल करके ही जाएंगे। और आप भाग करके भी वहाँ नहीं आ पाओगे जहाँ पर हम पहुँचे। इसलिए हमारी बात मानना चाहते हो तो मान लो, नहीं है तो देखिए आप लोगों की इच्छा। आप स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र हैं, फिर भी कहने का कर्तव्य था इसलिए कह दिया कि आप खाओ को हमेशा हमेशा पूर्ण चाहते हो तो आप मोह न करिए, जल्दी न करिए और धक्का न लगाइए। दूसरे के पदार्थ हैं, दूर से ही उससे दूर रहियो। सभी लोग कह लेते महाराज हमें पहले ज्ञात हो जाता तो हम तो आपसे पहले चले जाते। जाओ ना, क्या बात होगा, पहले जाओ, पहले जाओ, आप पीछे आ जाओ, बात ये कहिए। ये बहुत उत्तम कार्य है, ऐसे अनंत जा चुके हैं, पहले और बाद में तो कोई मतलब ही नहीं। जब जागे तब सवेरा वाली बात है, इसलिए धीरे धीरे करके आप परिग्रह के साथ जो मोह चिपकन है उसको ढीला करते चले जाइए, ताकि वह एक दिन आएगा तो वह पूर्ववत चमड़ी वहाँ पर आ जाएगी। अब पता तक नहीं लगेगा यहाँ पर कोई था। इसी प्रकार आप लोगों के घाव बहुत दिन के हैं, जल्दी जल्दी मरहम पट्टी लगा करके उसको ठीक कर लो। तो कैसे, कौन से मरहम पट्टी? तो गुरुओं के वचन हैं, जनवाणी हैं, देव गुरु शास्त्र हैं, इनके शरण लेकर के। तो आज तक तो पूजन होती थी, अब तो अभिषेक वाले भी इसमें शामिल होने लगे। नहीं समझे, क्यों शामिल कर रहे महाराज? तभी तो वहाँ पर धारा होगी भगवान की। नहीं समझे, धाराओं का मूल्य बढ़ाने के लिए हमारे बीच में, पूजन के बीच में उन धाराओं को भी ला गए। कोई बात नहीं, शांति धारा तो अच्छी मानी जाती है, उनको यदि उसके माध्यम से शांति मिलती है तो हम भी उसका समर्थन करते हैं, हमें भी कुछ मिलेगा। सिर्फ कार्य तो अनुभव है, आप उसका समर्थन हम करेंगे, हमें भी कुछ मिलेगा। देखो सब लोग अपने अपने दुकान को आगे बढ़ाने में लगा, हमारे नाम से ये काम होता है तो हमें क्या, उसमें नाम तो हमारा है ही नहीं, दिया हुआ है, से क्या मतलब। तो इस प्रकार यदि धार्मिक भाव किसी निमित्त से बनते हैं तो उस निमित्त को चला करके सुरक्षित रखना चाहिए और अपना काम निकाल लेना चाहिए। लेकिन घाव को याद रखियो, यह है पॉइंट, है एक मुख्य बिंदु है। तो इस उदाहरण को याद रखेगा तो धीरे धीरे सावधानी के साथ उस काम को साफ कर सकेगा। अहिंसा परमो धर्म की